हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे प्याज के पकोड़े। तो मैंने दो प्याज लिए हुए हैं। प्याज को मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया। मैंने एक बाउल बेसन का लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। मैं डालती हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। मिक्स करती हूँ अच्छे से। तो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी का लिया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा और डालती हूँ। मैंने बैटर तैयार कर लिया है, तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो गैस को मीडियम कर देते हैं। बैटर डालती हूँ। पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं और डाल देती हूँ। तो पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, निकाल लेते हैं बाहर। प्याज पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। इमली के चटनी के साथ, केचप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हो। घर पे जरूर ट्राई करें। आप कमेंट में जरूर बताएं आपके प्याज के पकोड़े कैसे बने। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।